नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। बड़ी खबर सबसे पहले आपको पहुंचा दें, मुंबई ड्रग्स मामले में आज फिर सुनवाई की तारीख है। और आपको बता दें, आर्यन की बेल को लेकर आज बात होनी है। आर्यन खान की जमानत पर आज ये सुनवाई होनी है। काफी महत्वपूर्ण दिन आर्यन खान के लिए, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जरूर है आर्यन खान। और आज ये अहम और महत्वपूर्ण सुनवाई अब से थोड़ी देर में बताई जा रही है शुरू होगी, और इसी पर नजर रहने वाली है। आज जमानत पर सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले वो जेल में रह चुके हैं 2 दिन, वहां पर उन्होंने अपनी रात काटी। आर्यन खान की जमानत पर आज इसी के बाद सुनवाई होनी। मुंबई ड्रग्स मामले में आज फिर सुनवाई की तारीख है। 2-3 दिन की जेल काट चुके शाहरुख के बेटे आर्यन की बेल याचिका पर आज दलीलों का दौर चलेगा। आज तय हो सकेगा कि आर्यन बेल पर घर का रास्ता पकड़ेंगे या आर्थर रोड जेल ही फिलहाल उनका फौरी ठिकाना बना रहेगा। एनसीबी ने इस मामले में इंटरनेशनल लिंक को भी खंगाला है और गिरफ्तार 20 लोगों में 2 विदेशी भी हैं। नौ दिन बीत गए लेकिन मन्नत कबूल नहीं हुई। आर्यन खान की जमानत के इंतजार में मुंबई में मन्नत टकटकी लगाकर देख रहा है। शाहरुख खान इंतजार कर रहे हैं, गौरी इंतजार कर रही हैं। ड्रग्स के डंक का आरोप ऐसा लगा कि अब तक रिहाई नहीं हो सकी, लेकिन आज जमानत पर फिर सुनवाई है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की बेल के लिए वकील ने पूरी तैयारी कर ली है। 23 साल के आर्यन खान की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर को हुई थी। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर आर्यन अपने दोस्त अरबाज के साथ पकड़ा गया था। क्रूज ड्रग्स पार्टी के आरोप में एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अपनी कस्टडी में एनसीबी ने आर्यन से कई सवाल दागे। 8 अक्टूबर को आर्यन की बेल जब मुंबई कोर्ट से खारिज हो गई तो उसे आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। आर्यन ही नहीं, आज उन 4 आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा जिनकी एनसीबी कस्टडी खत्म हो रही है। एनसीबी ड्रग्स की सारी परतें खोलकर रख देना चाहता है, लिहाजा इस कड़ी में जब तफ्तीश की सुई आगे बढ़ी तो मामला इंटरनेशनल हो गया। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 2 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है, यानी कुल मिलाकर अब तक 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नहीं देखिए, नाइजीरियन नेशनल हम पहले भी हमने काफी इस साल अरेस्ट किए हैं, अभी भी आपने जैसे खुद ही बोला हो रहे हैं, तो ड्रग वर्ल्ड में नेशनलिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, हर तरह के लोग उसमें है। ऑलरेडी केस माननीय न्यायालय के सामने है और सारे फैक्ट माननीय न्यायालय के सामने यथासमय रखे जा रहे हैं, एंड वी विल आई थिंक दैट इज अ प्रोटोकॉल दैट शुड बी फॉलोड बाय ऑल ऑफ अस। ड्रग्स के तार विदेशों से जोड़ने के बाद एनसीबी और अलर्ट हो गई है। यही वजह है कि जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर ये मामला सच साबित हो गया तो इसमें कई और बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आए दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के किसी न किसी इलाके में रेड करके किसी न किसी ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर ही ले रही है। अब तक इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी की टीम ने क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार करके उसके पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद किया है और यह दावा किया है कि इस मामले के तार इंटरनेशनल लिंक से भी जुड़े हुए हैं। एनसीबी का दावा यह भी है कि वो लगातार अदालत में आर्यन खान की जमानत का विरोध करती रहेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में आर्यन खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। एनसीबी की कोशिश ये है कि ड्रग्स रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके और इसलिए वो आर्यन की बेल का भरपूर तरीके से विरोध करेगी। टीम ने शाहरुख के ड्राइवर से भी लंबी पूछताछ की और उस दिन की कड़ियों को मिलाने की भी कोशिश की। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए जेल से रिहाई का इंतजार लंबा खिंच गया।
जमानत मिलने तक मुंबई के आर्थर जेल में आर्यन खान को कुछ और वक्त गुजारना पड़ सकता है। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन खान के लिए रिहाई का समय 2 दिन अटक गया। दूसरा शनिवार और रविवार की वजह से सेशंस कोर्ट में छुट्टी रही। फिलहाल कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आर्यन खान को आर्थर जेल की क्वारंटीन सेल में रखा गया है। इसके बाद आर्यन को जमानत मिलने तक कैदियों के सेल में भेजा जाएगा। सेशंस कोर्ट की सुनवाई में वक्त लग सकता है, क्योंकि सुनवाई के लिए कोर्ट पहले एनसीबी को भी नोटिस देगा। एनसीबी का पक्ष रखने और दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद ही कोर्ट जमानत याचिका पर अपना फैसला देता है। अगर यहां भी जमानत नहीं मिली तो आर्यन खान के वकील को बॉम्बे हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना होगा। एनसीबी ने 2 अक्टूबर के दिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ा था। सूत्रों के मुताबिक आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिली थी, लेकिन उसके मोबाइल में ड्रग्स पैडलर के साथ चैट और ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स मिली थी। आर्यन खान तमाम आरोपियों के साथ आर्थर रोड जेल में बंद है, पूरा परिवार परेशान है। तो वहीं दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का ऑपरेशन लगातार जारी है। आज तक के पास वो पंचनामे की कॉपी मौजूद है जो एनसीबी ने क्रूज में छापेमारी के दौरान बनाया था। पंचनामे में लिखा गया है कि अरबाज ने अपने जूते में चरस छुपा कर रखी थी, जबकि आर्यन ने उसमें कबूलनामा किया था कि वो भी चरस का इस्तेमाल करता था। ये बयान अपने आप में काफ़ी अहम रखता है, जिसका इस्तेमाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार बेल खारिज करवाने के लिए करती रही है। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन और अरबाज के मोबाइल फोन से ऐसे कई चैट्स बरामद किए हैं जिसमें ड्रग्स के बारे में बातचीत हो रही है और ड्रग्स मंगवाने की भी बातचीत हो रही है। ये वो सबूत हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आने वाले दिनों में आर्यन और तमाम आरोपियों के खिलाफ अदालत में इस्तेमाल करती रहेगी और आर्यन को झटका मिलता रहेगा। इस बीच एनसीबी ने आर्यन खान से जुड़े मामले में जांच और पूछताछ का सिलसिला और तेज कर दिया है। कल शाहरुख खान के ड्राइवर से 12 घंटे की पूछताछ हुई। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर ने माना कि उसने आर्यन और अरबाज को क्रूज टर्मिनल पर छोड़ा था। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये सामने आया था कि आर्यन खान अरबाज मर्चेंट प्रतीक गाबा के साथ एक और शख्स मन्नत से एक साथ मर्सिडीज गाड़ी में निकले थे। एनसीबी के मुताबिक ये सभी एक साथ क्रूज पार्टी के लिए निकले थे। शाहरुख खान के ड्राइवर से लगातार 12 घंटे तक पूछताछ की गई। ये वही ड्राइवर है जिसने 2 अक्टूबर की देर शाम को आर्यन खान और अरबाज को मर्सिडीज कार में क्रूज टर्मिनल छोड़ा था। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज केस की FIR में NDPS के सेक्शन 29 का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है प्लान के तहत किसी वारदात को अंजाम देना। ड्राइवर ने भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने बयान दिया है कि उसी ने देर शाम को दोनों को क्रूज टर्मिनल छोड़ा था। अब ड्राइवर का ये बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अदालत में इस्तेमाल करेगी। कुल मिलाकर आर्यन खान के लिए जमानत और जेल से रिहाई के रास्ते में कांटे अभी बाकी हैं, क्योंकि एनसीबी ड्राइवर के बयान का इस्तेमाल कोर्ट में कर सकती है। दिवेश के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। मुंबई ड्रग्स पार्टी के कितने चेहरे थे, नशे की पार्टी के कितने किरदार हैं, एनसीबी के छापे इसी नजरिए से लगातार मारे जा रहे हैं ताकि वो ढके छिपे नाम सामने आ सके, ताकि देश से लेकर विदेश तक के तार को जोड़ा जा सके। क्रूज ड्रग्स पार्टी को लेकर एनसीबी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और साथ ही सामने आ रहे हैं नए नए खुलासे। एनसीबी ने बीती रात मुंबई के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की। इस ऑपरेशन में एनसीबी के कई बड़े अधिकारी शामिल थे। गोरेगांव इलाके में छापेमारी के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इस बीच आरोपियों से पूछताछ के दौरान ड्रग्स के नेटवर्क का जाल देश विदेश तक फैले होने के संकेत मिल रहे हैं। आरोपियों के मोबाइल चैट से बड़ा खुलासा। ड्रग्स चैट में हॉलीवुड के कलाकारों से मिले नंबर,
कोड वर्ड में लिखे गए हॉलीवुड कलाकारों के नंबर, विदेश में ड्रग्स मुहैया कराने का दिया भरोसा, चैट में बॉलीवुड कलाकारों के बच्चों के भी नंबर। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आए दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के किसी न किसी इलाके में रेड करके किसी न किसी ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर ही ले रही है। अब तक इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी की टीम ने क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार करके उसके पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद किया है और ये दावा किया है कि इस मामले के तार इंटरनेशनल लिंक से भी जुड़े हुए हैं। एनसीबी का दावा ये भी है कि वो लगातार अदालत में आर्यन खान की जमानत का विरोध करती रहेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में आर्यन खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस बीच एनसीबी ने कल 7 घंटे हुई पूछताछ के बाद इम्तियाज खत्री को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। सवाल है कि इम्तियाज खत्री से पूछताछ का ड्रग्स और बॉलीवुड से क्या कनेक्शन हो सकता है। दरअसल बॉलीवुड से कनेक्शन रखने वाला इम्तियाज खत्री एक बिल्डर है। इम्तियाज खत्री बॉलीवुड की कई फिल्मों में पैसा भी लगाता रहा है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन में भी इम्तियाज खत्री का नाम सामने आया था। 2017 में एक वायरल वीडियो में इम्तियाज फैशन शो के दौरान सुशांत के साथ रैंप पर भी देखा गया था। इम्तियाज कई बॉलीवुड कलाकारों का करीबी है। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इम्तियाज खत्री के बांद्रा स्थित घर और दफ्तर पर छापा मारा। एनसीबी ने एक दिन पहले क्रूज ड्रग्स पार्टी में 19वें आरोपी शिवराज रामदास को गिरफ्तार किया था। शिवराज रामदास पर आर्यन और अरबाज को सीधे ड्रग्स मुहैया कराने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक अरबाज ने पूछताछ के दौरान इस शख्स का नाम लिया था। रामदास से 8 से 10 घंटे तक एनसीबी ने पूछताछ की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तय है कि एनसीबी ड्रग्स केस के उलझे तारों को जोड़ते हुए मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में है। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। तो आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी, अब से थोड़ी देर पर वो तस्वीरें और वो खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। तो अब से थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होनी है। आज का दिन आर्यन खान के लिए बहुत महत्वपूर्ण तय होगा कि क्या आज भी उनकी रात और तक जेल में ही कटेगी या वो अपने घर जाएंगे। जमानत पर आज सुनवाई होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एनसीबी दफ्तर के बाहर अरविंद ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सीधे अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी? जी देखिए, अभी कोर्ट में जो आर्यन के वकील हैं सतीश मान सिंधे, उसके अलावा एक और सीनियर वकील है, वो पहुंच चुके हैं आर्यन की तरफ से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी जो अदालत में बेल एप्लीकेशन को लेकर सुनवाई होगी, इसके लिए काफ़ी वक्त लगने वाला है आज कम से कम, क्योंकि फ्राइडे को बेल मूव की गई थी। अभी लिसनिंग में होगा कोर्ट में, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को जो बेल फाइल की गई थी उस पर नोटिस दिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिप्लाई फाइल करेगी, उसके बाद ही ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कब बेल हियरिंग है। तो कुछ वक्त लग सकता है अर्पिता, जिसका इंतजार करने पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने आज तक को बताया है कि वो बेल का आर्यन के पुरजोर विरोध करेंगे। एनसीबी का कहना है कि चूंकि आर्यन एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो गवाहों को और इस केस पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा अब तक इस मामले में 20 गिरफ्तारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कर ली है। कल एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी हैं। इंटरनेशनल सिंडिकेट, बिल्कुल, यानी देखिए आर्यन की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। उस वक्त भी अब कहा जा रहा है कि वक्त लग सकता है, लेकिन तमाम अपडेट के साथ लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।